यो गाइस, मेरा नाम जान के आप जेल जाने से बचने नहीं वाले। तो थोड़े टाइम पहले मैंने 2012 की एक कंपाइलर्स नाम की मूवी देखी, जिसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे रात को कभी मत देखना वरना नींद उड़ जाएगी, क्योंकि ये फिल्म इतनी ज़्यादा फक्ड अप और डिस्टर्बिंग है कि ख़त्म होने के बाद भी आप इसके बारे में सोचते रहोगे घंटों भर के मैंने अभी क्या देखा। मूवी की स्टोरी एकदम ही सिंपल तरीके से बतानी हो तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक साधारण सा प्रैंक कॉल सेक्सुअल असॉल्ट क्राइम में बदल जाता है। फिल्म में हमें 19 साल की एक बैकी नाम की लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि अपने नॉर्मल डे पर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम कर रही है। तब अचानक से उस रेस्टोरेंट की मैनेजर सैंड्रा को एक कॉल आता है पुलिस ऑफिसर डैनियल की तरफ से। यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर सैंड्रा को बताता है कि आपके वहाँ काम करने वाली बैकी जो लड़की है, उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में एक औरत ने की है, जहाँ पे वो औरत क्लेम कर रही है कि बैकी ने उसके पर्स में से कुछ पैसे चुराए हैं और ये चीज का उनके पास सर्वेलेंस फुटेज है। ये पता चलने के बाद सैंड्रा बैकी को रेस्टोरेंट के बेसमेंट या फिर कह सकते हो जो स्टॉक रूम जहाँ पे माल सामान रखा जाता है वहाँ पे लेके जाती है प्राइवेटली बात करने के लिए और ये सिचुएशन को बताने के लिए। और उस टाइम पे ऑफिसर डैनियल सैंड्रा के साथ लाइन पे ही होते हैं। वो उसे बताते हैं कि वहाँ पे उनका आना इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तब तक सैंड्रा जो है वो बैकी को इंटेरोगेट करे, उससे सवाल जवाब पूछे जो ऑफिसर डैनियल उसे फ़ोन पर बताएगा। और थोड़े बहुत सवाल पूछने के बाद वो ऑफिसर सैंड्रा को बैकी का लिटरली स्ट्रिप सर्च करवाने को बोलता है और बैकी को फ़ोन पे बताता है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी तो थोड़ी देर में पुलिस उनके रेस्टोरेंट में आएगी और उसे उठा के ले जाएगी और शायद उसे एक दिन की जेल भी हो सकती है और बाहर निकलने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही हार्ड और लंबी होगी। तो बैकी डर के मारे और उसे जेल ना जाना पड़े, ऑफिसर डैनियल जो जो उसे चीज़ें बोलता है वो सभी चीज़ें करने को तैयार हो जाती है। ये स्टोरी कहीं तो देखी हुई लग रही है। खैर, बैकी डर के मारे स्ट्रिप सर्च करना चालू कर देती है, बिना ये जाने कि वो ऑफिसर जो उससे बात कर रहा है वो सच में एक ऑफिसर है भी या नहीं। इवन उसे ये तक पता होता है कि उसने चोरी नहीं की है, तब भी वो सारे उसके जो ऑर्डर्स है वो मान रही होती है सिर्फ और सिर्फ डर के मारे। मतलब एक बारी आप अपने आप को ये सिचुएशन में रख के देखो एक लड़की के पर्सपेक्टिव से, जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, सो इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके बाद आगे वो ऑफिसर या जो कोई भी वो बंदा है बैकी से क्या क्या चीज़ें करवाता है वो आप नहीं सोच पाओगे। इवन मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता, इतनी फक्ड अप सिचुएशन हमें दिखाई जाती है मूवी के आगे। अब एंड तक क्या बैकी के साथ जो बंदा प्रैंक कर रहा होता है वो पकड़ा जा पाता है या नहीं, वो जानने के लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी। और जब आपको पता चलेगा कि वो बंदा असल में है कौन या काम क्या करता है तो आप शॉक हो जाओगे। मूवी ओवरऑल डार्क, डिप्रेसिंग, डिस्टर्बिंग और बहुत ही इंटेंस है, जिसके कुछ कुछ मोमेंट्स जब मैं अभी याद भी कर रहा हूँ ना तो मेरे को चिल्स आ रहे हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन फकिंग रियल इवेंट्स। पूरे अमेरिका में 70 से ज़्यादा ऐसे केस दर्ज है जहाँ पे एक साधारण सा प्रैंक कॉल इसी तरीके के सेक्सुअल हरेसमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट के केस में बदल गया था। सो अगर आप सेंसिटिव या ओवर थिंकर हो तो मैं आपको ये मूवी रिकमेंड नहीं करूँगा, मत देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद अब कुछ समय तक उसके बारे में ही सोचते रहोगे, एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली सोचते रहोगे और शायद डिप्रेस भी हो सकते हो। बाकी अगर आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता देन 2012 की कंपाइलर्स मूवी एक ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी है चेकआउट करने के लिए। और अगर आपको थ्रिलर सस्पेंस मूवीज़ देखना पसंद नहीं है देन मेरे चैनल पे आपको ढेरों अलग अलग जॉनर की मूवीज़ देखने को मिल जाएगी, सो वो वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पसंद आए तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल इसी तरह के और अच्छे मूवीज़ के बारे में जानने के लिए। चैनल की एक रैंडम वीडियो ये रही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।